गौतम, वेलकम टू योर पीडिया। लेट्स स्टार्ट योर फॉर्म मॉक फॉर आईएससी बैंगलोर। तो सर, स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यस सर। सर, माय नेम इज गौतम ज्योतिषी एंड आई एम ए पास आउट स्टूडेंट। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग फ्रॉम 2018 टू 22 इन ईसी बैकग्राउंड, इन ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। एंड आई हैव given gate exam in last year also, but I have not qualified in that exam. But this year I was qualified with a gate score of 683. Okay. Yes, sir. So what is your project? What was your project? Sir, my major project was basically on IoT based vehicle security system. Like I tried to provide security to the vehicles that generally in case of theft, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, व्हीकल की सिक्योरिटी, ठीक है ना? अच्छा अच्छा सर। तो अगर मान लीजिए एक इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी ऑफ होंडा सिटी गाड़ी है, उसकी दूसरी होंडा सिटी है, दोनों इंफ्रारेड बेस भी है अपना सिक्योरिटी सिस्टम, तो अगर मान लीजिए तो किस तरह के हम फ्रिक्वेंसी को डिफरेंशिएट करते हैं? फ्रिक्वेंसी डिफरेंशिएट सर, फ्रिक्वेंसी एक्चुअली टू बैंड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लाइक फ्रिक्वेंसी बैंड एक अलॉट कर दिया है कि मेरे आईओटी जो फ्रिक्वेंसी, मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल जो फ्रिक्वेंसी बैंड शेयर करेगा, वो मेरे जो डिवाइस लगा हुआ है मेरे पर्टिकुलर व्हीकल में उसका फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा। इट्स लाइक सिंपल लाइक सुपर हेड टू टेल रिसीवर जैसे वर्क करता है कि एक पर्टिकुलर आरएफ जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको अटेन्यूएट कर देता है। ओके, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए मेरे को मेजर करनी होती है, मान लीजिए मेरी की खो गई है, ठीक है ना? अच्छा, और आई हैव टू मेक अ की, तो देयर इज एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर व्हिच we can use to measure that frequency or duplicate key कैसे बनाते, कुछ आइडिया है? Duplicate no sir, इस बारे में actually मुझे आइडिया नहीं है। फिर ओके, अच्छा आपने आईआईटी बेंगलोर को क्यों चुना, कोई और आईआईटी क्यों नहीं? सर, आईएससी बैंगलोर चुनने का सर पहला मोटिव यही था कि सबसे टॉप लेवल की यहाँ पे करिकुलम जो बनाया हुआ है इन्होंने, और पर्टिकुलर जो मैं चाह रहा था एक्चुअली सिग्नल प्रोसेसिंग, क्योंकि मैं मतलब ऐसा ऐसा फ्यूचर देख रहा था कि लाइक कम्युनिकेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हर क्षेत्र में। सो यहाँ का कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग जो है मुझे सबसे बेस्ट लगा था, इसका कोर्स और इसका करिकुलम और जो फ्यूचर इनमें कंपनीज आती हैं इम्पोर्टेंट थी। और दूसरी चीज जो आईएससी में जाने के बाद ऑब्वियसली आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, फॉरेन में भी एक्सपोजर रहते हैं इसके अपार्ट फ्रॉम इंडिया, दैट्स व्हाई। चलिए मेरे को ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दिखाइए, कोई कोई भी। अच्छा जी सर, अच्छा मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। यस सर, अगर मान लीजिए एक पैरामीटर में चेंज जो है, यस सर, हाई है और एक पैरामीटर में बहुत कम है, ठीक है जी, तो क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेबल होगी? यस सर, पार्शियल डिफरेंशियल होगी एप्लीकेबल, हम लिख सकते हैं।
चाहे चेंज छोटा हो या बड़ा। चेंज, अच्छा चेंज आपने बोला। यस सर, पार्शियल डिफरेंशियल सर मैं ये शो कर सकता हूँ सर, हाँ दिखाइए। ये ऑडिबल है, ये विजिबल है आपको सर? ओके। सर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एंड जेड आर टू वेरिएबल्स, दीज आर टू पार्शियल डेरिवेटिव्स आई हैव टेकन इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जेड एंड दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव वी हैव फॉर्मड। ओके चलिए, आपके कौन कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं? सर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स जो फर्स्ट है, एंड सिग्नल सिस्टम्स सेकेंड, एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, सिग्नल सिस्टम में किस टाइप के मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा यूज होता है? किस टाइप के मैथमेटिक्स का? सर इंटीग्रल्स काफी यूज होते हैं, डेरिवेटिव्स काफी यूज होते हैं, एंड डिफरेंस भी यूज होते हैं अगर हम डिस्क्रीट टाइम की बात कर रहे हैं तो, और समेशंस, ये सारे बेसिक्स हैं, और ट्रांसफॉर्म भी हम उसी लिए यूज करते हैं, इंटीग्रल करके ही ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। जी सर। चलो ठीक है। नाउ सर विल टेक फॉर द टेक्निकल, विल गिव फीडबैक लास्ट में। ठीक ओके है गौतम। श्योर सर। सर गौतम, प्लीज वन मोर रिपीट, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ के जा रहे हो? पर्टिकुलर मैं सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन के लिए ही बात कर रहे हैं सर अभी। अच्छा, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। अच्छा हाँ सर, मतलब हमने, हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? इन दोनों ब्रांच में ही इंटरव्यू, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पहला है और सेकंड सिग्नल प्रोसेसिंग है, दो अलग अलग ब्रांच। ओके। तो आपने केवल दो ही सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हैं? सपोज दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द डिजिटल एनालॉग, तो यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर? नो सर ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली हुआ यह था कि मैंने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भी भरा था लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो नहीं दे पा रहा हूँ मैं, वो 21 को है मेरा, वो चीज मैं बस मिस कर गया, बस मेरा कम्युनिकेशन और ये इसके लिए जा रहा हूँ व्हाट इज योर रैंक इन द किट? सर। 428 रैंक, 428 इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। यस ओके ठीक है। ओके। नाउ स्टार्ट फ्रॉम अ व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस होता है सिग्नल प्रोसेसिंग एंड सिग्नल सिस्टम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं? इज जी देयर सर। एनी डिफरेंस कि बोथ आर सिमिलर? सर सिग्नल प्रोसेसिंग बेसिकली लाइक सबसे पहले सिस्टम से स्टार्ट करूँ अगर, तो सिग्नल से सिस्टम से हम एक साथ इसलिए डील करते हैं बिकॉज जो सारे प्रोसेस होते हैं सिग्नल्स के, मतलब डिफरेंट टाइप्स होने के, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल जो हम देखते हैं जनरेट कर पाते हैं वो सिस्टम्स की वजह से होते हैं, कि अगर सिस्टम डिफरेंट प्रकार का है उसमें हम इनपुट देंगे तो डिफरेंट 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 सिग्नल्स ऐसे आउटपुट निकलेंगे। थोड़ा तो एग्जांपल से समझाएं प्रॉपर तरीके से। ओके सर लाइक सपोज LTI सिस्टम, लाइक हमारे पास है एक, सपोज मुझे स्क्वायर वेव है मेरे पास और उस वेव को मैं अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम से निकाल रहा हूँ लाइक डिफरेंशिएटर से या फिर इंटीग्रेटर से, सॉरी, सो हमें ट्रायंगल सिग्नल मिलेगा। अगर हमें नीड है ट्रायंगल सिग्नल की तो हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो ये सिग्नल सिस्टम्स का पार्ट है और इससे जो जनरेट हुआ है सिग्नल जो आउटपुट में आया है दैट्स कॉल्ड, वो सिग्नल हमने प्रोड्यूस किया है, तो वो सिग्नल प्रोसेसिंग हुआ कि हमने प्रोसेस किया नया सिग्नल, और सिग्नल सिस्टम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम वो जनरेट कर पाए सिग्नल। सिग्नल जनरेट किया, दैट इज द सिग्नल सिस्टम, एंड आउटपुट वो गया, दैट इज द सिग्नल प्रोसेस। नो सर नो, एक्चुअली ये तो पर्टिकुलर सिर्फ सिग्नल सिस्टम्स का पार्ट हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग का मुझे एक्चुअली उतना आइडिया नहीं है क्या है कि सिग्नल? नहीं तो इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द टॉपिक। सभी का जब भी हम स्टार्ट करते हैं वी शुड नो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जी सिग्नल सर। प्रोसेसिंग आपको आइडिया होना चाहिए ना। तो सिंपल, इट इज द प्रोसेसिंग। अंडरस्टैंड? चले तो सिग्नल में हम बात करते हैं वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यस सर। यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, दोनों को जरा बताइए व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज एनी एक्सेट्रा। सर सबसे पहले स्टार्ट करूं कि बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो हमारा, जिसमें ROZ दोनों के लिए डिफाइन होता है, लाइक उसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, वो हम दोनों साइड लेते हैं लाइक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है।
और जूरी लेटर का सिर्फ एक साइड लेते हैं विथ इनिशियल कंडीशंस अप्लाइड, कि अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो हम यूज करते हैं, वरना जीरो लेके हम कंसिडर करते हैं. बेसिक डिफरेंस तो यही है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल में. एंड एक साइड लेते हैं, कौन सी साइड लोगे? एक साइड सर जीरो टू इन लाइक हम लेते हैं नेगेटिव जीरो, साइड लेते हैं. बाइलेटरल के लिए तो हम दोनों साइड लेते हैं, बट अच्छा जीरो, यूनिलेटरल के लिए हम जीरो अच्छा से जी, स्टार्ट. मैं सपोज मैं जीरो की जगह थोड़ा -2 से ले लो तो इट इज पॉसिबल? सर इन हाँ पॉसिबल है, बट इनिशियल कंडीशंस आपको फिर पता होने चाहिए हमें, तो हम इनिशियल कंडीशन पता होने चाहिए, हाँ इनिशियल कंडीशंस उस पर्टिकुलर सिस्टम के पता होने चाहिए क्या थे. लाइक जीरो लाइक हम अगर -1 पे आपने पूछा कि -1 पे हो सकता है कि नहीं, तो -1 की कंडीशन में पता चलना कि उस समय क्या आउटपुट था. ओके ठीक है। हाँ Yes. एंड जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, पहले बात करें, आपने आरओसी बोला था, व्हाट इज द आरओसी? सर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर रेंज के लिए, रेंज ऑफ इनपुट्स या फिर रेंज के लिए ही बोलूँ मैं, हमारा जो सिग्नल है वो डिफाइन होता है, लाइक वो इंटीग्रेबल होता है. मतलब कि कैसे इसको डिफाइन करो, हाँ उस पर्टिकुलर रेंज के लिए ही. लाइक आरओसी मैंने बोला कि 0 to infinity, सो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर रेंज में ही वो एटेन्यूएट करेगा, और या फिर उसे एग्जिस्ट करेगा सर उस पर्टिकुलर सिस्टम रेंज के लिए. उस पर्टिकुलर रेंज के लिए एग्जिस्ट करेगा सिस्टम। सिस्टम नहीं सर, एक्चुअली लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, e to the power -80. चले एक मेरा एग्जांपल लिखे, ई की पावर +80 UT, जी सर ठीक है। जी अब जी इसकी आप आरओसी बताएं और ये बताएं कि सिस्टम आरओसी के बेस्ड पर स्टेबल है, अनस्टेबल है और कैसे। जी सर सर e to the power 80 UT एक सर मैं ग्राफ बना के बता सकता हूँ जैसे भी जी. सर ये जो एक्चुअल सिग्नल है e to the power 80 UT वो एग्जिस्ट तो पूरे टाइम के लिए करेगा अगर यूटी हम हटा देते हैं तो, ठीक बट है। बट यूटी के ऐड करने से वो 0 to infinity जा रहा है, लेकिन उसकी इन्फिनिटी पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है मैग्नीट्यूड ठीक है जो, तो ये ठीक है अनस्टेबल सिस्टम की कैटेगरी में आएगा ठीक है। e to the power 80 UT. अगर हम बात करें कि इसका लैपलास कैसे निकल सकता है, तो सर इसके लिए हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फिक्स करना पड़ेगा जिसमें वो पर्टिकुलरली इंटीग्रेबल हो. क्या होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका? तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो हो जाएगा वो -0 हो जाएगा. एक बार थोड़ा सोचें जरा, -0 कैसे होगा? यूटी इज द राइट हैंडेड सिस्टम। ओके ओके सॉरी सर, मैं एक्चुअली दोनों साइड बना दिया था तो मेरा दिमाग दोनों साइड चल गया, सॉरी फॉर चलो दैट. कोई बात नहीं, अभी आरओसी बताएं। जी सर रीजन ऑफ कन्वर्ज नो सर, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्चुअली, बिकॉज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एडजस्ट ही नहीं करेगा, मतलब फंक्शन का लाप्लास एडजस्ट नहीं करेगा। फिर आपने बोला लाप्लास तो होगा। सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एंड यू नो इन द आईएससी बेंगलुरु द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आस्क फ्रॉम द मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स वहां ज्यादा होता है। सिग्नल, आप सिग्नल में ऑलरेडी जा रहे हो, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने। अभी मैं डेप्थ में गई ही नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर इसलिए मैं थोड़ा समय सोचना पड़ेगा मिनट. सर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो उसका होगा वो ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ सिग्मा जो होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, रियल पार्ट ऑफ एस जो है वो ग्रेटर देन ए होगा इस केस में. दैट इज सिग्मा ग्रेटर देन ए। सर रियल पार्ट ऑफ एस जो है वो होगा
सर लेस देन ए एक्चुअली, लेस देन ए तो नहीं हो सकता है, इट इज इक्वल टू यूटी। चले तो सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट ऑफ गॉर्डन, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर यूटी सो वी नो दैट दिस इज द राइट हैंडेड सिस्टम। अंडरस्टैंड? अच्छा ये था, इसमें कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम बता पाओगे आप? यस सर। जो मैंने बोला है ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है? सर सिग्नल्स पर्टिकुलर सिग्नल और सिस्टम कौन सा? ये आपको मैंने क्या दिया हुआ है बेटा? सिस्टम दिया हुआ, सिग्नल दिया हुआ, क्या दिख रहा है आपको? ये की पावर एटी यूटी मैंने क्या हुआ बताइए, सिस्टम है क्या? नो सर सिग्नल है ये। कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि मैंने सिग्नल दिया कि सिस्टम दिया? चले पहले ये बताएं, बहुत बेसिक सी बात है, कैसे पता पड़ेगा कि सर ने मैंने आपको सिग्नल दिया कि सिस्टम दिया, पता? सर सिस्टम के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों ही एक इक्वेशन के अंदर आने चाहिए फॉर अ सिस्टम टू एग्जिस्ट। और सिस्टम टू एग्जिस्ट इक्वेशन के अंदर पूरा आना चाहिए। चलिए एक एक जरा बताएं मुझे सिस्टम की, जरा बताएं कैसे सिस्टम, आपको किसी को बताना हो सिस्टम है ये तो कैसे बोलेंगे, किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना बताएं। सर सपोज मैं मतलब एक सिंपल सी इक्वेशन लिखूं दैट y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टू टी, लाइक सपोज एक ये मैं इक्वेशन लिख दिया y of t is equal to x of t plus x of t minus 2। अभी तो अपन लाप्लास में, t में कहां से आ गए आप? मैं तो लाप्लास में बात कर रहा हूँ। अच्छा सर ओके सर, लाप्लास में सिस्टम अगर मुझे समझाना है तो सिस्टम में एक इनपुट होगा, सिस्टम फंक्शन गौतम, बेसिक सा कंसेप्ट है। इफ वी डिफाइन द सिस्टम देन डिफाइन बाय द सिस्टम फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन। Yes, अगर मैं ए आई ने आपको बोला होता यही चीज, मैंने आपको बोलूं कि दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी एच, पहले मैं बोलूं ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगर मैं बोलूं दिस इज गिवन एच टी इज इक्वल टू, लिख लें आपको मैंने जो बोला वो एच टी इज इक्वल टू है। यस सर। अब बताया, अब मैंने सिस्टम के बारे में बात की है कि सिग्नल के बारे में बात की? अभी तो सर ये सिस्टम है एच ऑफ टी अगर आपने दे दिया तो, ठीक है सिंपल है, समझ गए होंगे मेरी बात। चले अब हम क्या बात कर रहे थे, इससे पहले क्या बात हो रही थी सिस्टम और सिग्नल के पहले? सर कॉजल नॉन कॉजल इस सिस्टम को डिफाइन करें। कॉजल नॉन कॉजल बताएं, ये क्या है, कॉजल है नॉन कॉजल है? सर ये एक सिस्टम को कॉजल होने के लिए पर्टिकुलरली उसके जो आउटपुट होते हैं वो पर्टिकुलर इनपुट्स या फिर उसके पास्ट इनपुट्स पे वो होनी चाहिए, लाइक डिपेंड होनी चाहिए, डिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है अच्छा, ये और आरो इससे आप आरो से तो देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते कॉजल है कि नॉन कॉजल है? कॉजल यस सर बता सकते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से। कैसे बताओगे सर? अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में हमारा राइट हैंड साइड है सिग्नल, लाइक सिग्नल पूरा का पूरा राइट हैंड साइड है, लाइक ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, लाइक ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन वन, सो सिस्टम्स कॉजल है। और अगर पर्टिकुलरली पूरा ही लेफ्ट हैंड साइड है लाइक लेस देन माइनस वन या लेस देन, चल आगे आते हैं। और कोई टॉपिक बताएं सिग्नल में जो भी आपको लगता है, सिग्नल प्रोसेसिंग और दूसरा कौन सा, कम्युनिकेशन भी आपका? ठीक है ठीक है, चलो कम्युनिकेशन में आते हैं। व्हाट इज द ऑटो कोरिलेशन? सर ऑटो कोरिलेशन इज द एक्सटेंट टू व्हिच अ सिग्नल इज कोरिलेटेड टू इटसेल्फ। Correlated to itself, मतलब कि दोनों सिमिलर सिग्नल में correlation हो रहा है था? जी सर। अच्छा और इसको डिफाइन लाइक ऐसा करते हैं, अगर हमारे पास सिग्नल x of t है तो उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो होगा वो मतलब मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन वो ऑफ x of t एंड x of t माइनस tau d tau, ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकलेगा सर। जिसमें हम ये देखते हैं कि कितना सिग्नल का एक्सटेंड कितना है ओवर नॉइस, नॉइस के ऊपर। सो एक पर्टिकुलर SNR अगर मैं बोलूँ तो जितना ज्यादा अच्छा होगा या जितना ज्यादा बड़ा होगा, ग्रेटर वैल्यू होगी इसकी मैग्नीट्यूड, उतना ज्यादा ही हमारा जो क्या बोल सकते हैं, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं लाइक हम जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो रहा है वो इफेक्टिव माना जाएगा। ओके
सपोज आई वांट टू डिजाइन बोथ टाइप ऑफ फिल्टर, मेरे मेरा काम कोई भी फिल्टर से हो जाएगा, मान लो मैं लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर दोनों तरह के फिल्टर डिजाइन करने हैं, तो एसएनआर के रिस्पेक्ट में कौन सा फिल्टर बेस्ट है कौन सा नहीं है? एसएनआर के केस में कौन सा बेस्ट है? सर इस चीज पे तो कोई आइडिया भी नहीं आप मिल पा रहा है मुझे आइडिया। देखो गौतम मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है कि आप लोग को कुछ आइडिया नहीं हो, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि लाइक आईएससी बेंगलोर और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं अभी डीआरडीओ के भी चल रहे हैं, पर आपको रिलेट करना होता है ना। इफ यू आर एबल टू रिलेट द क्वेश्चन टू अनदर क्वेश्चन टू अनदर टॉपिक्स देन यू आर गुड फ्रॉम माय थिंकिंग, है ना, मेरे ऐसा लगता है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने केवल इतना बोला कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर है और एसएनआर के रिस्पेक्ट में समझाओ, तो आप इतना पता कर ले कि किसमें नॉइस ज्यादा है किसमें नॉइस कम है। चले अब इतना तो समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है? जी सर, जिसमें नॉइस ज्यादा होगी उसका एसएनआर अच्छा होगा कि बेकार होगा? बेकार होगा सर, बेकार होगा। चले अब इतना समझ में आ सकते हैं कि लो पास और हाई पास में नॉइस किसमें ज्यादा होती है? सर हाई पास के केस में सर। वेरी गुड, यही कनेक्ट आपको करना है। हाई पास के केस में नॉइज ज्यादा, बिकॉज़ इट पासेस द हाई फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस का, तो आपको पता है नॉइज है ना बैंडविड्थ प्रोपोर्शनल टू नॉइज होता है। बिल्कुल ओके, ये क्या होता है, हम जो गेट के स्टूडेंट होते हैं, आई ऑल्सो आर टीचर ऑफ द गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो बच्चे क्या होता है उसको बिल्कुल उससे बस फॉर्मूले से ही जानते हैं, है ना, कि बस एक फॉर्मूला मैंने रटा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा तो मैं डायरेक्टली आंसर दे दूंगा, ठीक है। बट इंटरव्यू में ये बहुत मतलब 50-50 चांस होता है, और हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो, ठीक है, कि आपको डायरेक्टली सब कुछ दिखे, तो रिलेट करना आना चाहिए गौतम, ठीक है। तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग, इंटरव्यू पास करना अलग होता है ना, और ये आप जो अपन कंपटीशन पास करते हैं अलग होता है, ठीक है। ओके गौतम, ऑल फ्रॉम माय साइड मैं फीडबैक देता हूँ अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? सर मेरा है 18th को है, 9 AM इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड 19th को सिविल प्रोसेसिंग। ओके आज 14 हो गया, 18 आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 डेज है, 4th डेज है आपका, है ना? जी सर। ओके ठीक है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको सिग्नल थोड़ा पढ़ने की जरूरत है ना, सिग्नल आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग ओनली वन सब्जेक्ट, आपने मेरे को ऑप्शन है ओनली वन सब्जेक्ट का दिया, सिग्नल प्रोसेसिंग में जा रहे हो, तो सिग्नल तो ठीक है होना ही चाहिए, पर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन है ना, कुछ माइक्रोवेव में भी लग जाता है इस तरह से, एंटीना ये भी है, पर ठीक है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो सिग्नल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको रिलेट करना आना चाहिए एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा सा फोकस रखें कि मुझे रिलेट करना है, तो आप हो सकता हो कि उस समय आप रिलेट कर पाए, है ना। एंड ये दोनों आपके फीडबैक थे, और ये पॉजिटिव फीडबैक है, आपके नेचर से लगता है कि आप कूल और कॉन्फिडेंट है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, कूल और कॉन्फिडेंस होना, ठीक है, ये आपके लगता है, आप क्वेश्चन आ रहे हो तो उसको ले रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके बोलने से ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं रुक जाते हैं झिकझक जाते हैं, वो मुझे थोड़ा सा कम लगा, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फीडबैक सर। बाकी सर आपको यस गौतम, यस सर, देखो आईएससी बैंगलोर है ना, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े, ठीक है ना, इनमें क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है ना, तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ क्या बोलते हैं अपना ये सिग्नल सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, और साथ में मैथमेटिक्स, बिकॉज ये दोनों मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा रिलेट होता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में स्पेशली इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और ये आपके मैथमेटिक्स में चलो वो तो नहीं आता इतना, क्या बोलते हैं अपना मैट्रिक्स, ठीक है ना, हाँ मैट्रिक्स का इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से होने चाहिए आपको प्रिपेयर, ठीक है। इसके ऊपर इंजीनियरिंग की जो बुक्स आती है मैथमेटिक्स की, बेसिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसमें, ठीक है ना, ऐसे कोई सवाल नहीं करवाएंगे आप सिक्स को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, Yes, फिर अगर एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब उसको वो बताना, ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखवाई थी पार्शियल, तो लार्ज चेंज के लिए क्या इक्वेशन होगी, स्मॉल चेंज के लिए क्या इक्वेशन होगी, वो आपको
पाना आना चाहिए कि कैसे वो डिफरेंशिएट हो रही है एक दूसरे से, ठीक है? ठीक हाँ, है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका रेट ऑफ चेंज ही बताता है, ठीक है? यस सर, बिल्कुल वैसे आप सिंसियर लग रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आप चीजों को लाइटली ले रहे हो, कि चीजें ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया, लेकिन वो होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंसियरली सुनना है, सिंसियरली आंसर करना है, ठीक है? श्योर तो सर, एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स पे, इन चीजों पे ध्यान दीजिए, ठीक है? बिल्कुल चलिए, नेक्स्ट टाइम एक और स्नैप लगाइएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच सर, ओके, गुड लक गौतम, थैंक यू वेरी मच सर। ओके।